मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है फिरका परस्त ताकतों से, मोदी सरकार के करप्शन से, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और दूसरी तरफ हमारे कुछ लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, आजकल नई एक अगाड़ी बन गई है कवाड़े साहब, वंचित अगाड़ी। अतः ये वंचित अगाड़ी चा मकसद काय आहे, मतलब काय आहे, मला काय कळतच नाही। ये वंचित अगाड़ी के नाम पे लोगों को वंचित करना चाहते हैं, फिरका परस्त ताकतों को, सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत देना चाहते हैं वोटों का बंटवारा करके। अशोक चौहान जी ने कहा था कि आइए साथ में लड़िए, हम आपको भी हिस्सेदारी देंगे। प्रकाश अंबेडकर जी को 6 लोकसभा सीट दी जा रही थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, अब तो हमको 6 नहीं 22 सीट चाहिए, 22 सीट मुतालबा करने वाले। इसका मतलब यह है कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते, पर्दे के पीछे किसी और से हमारा सौदा हो गया है, इसलिए हम सब जगह अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और वोटों का बंटवारा करेंगे और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को हम ताकत पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह के मंसूबा रखने वाले लोग, और आज हैदराबाद से हमारे ओवैसी साहब आ रहे हैं, ओवैसी साहब से मैं कहना चाहूंगा, क्या आप फिरका परस्त ताकतों से लड़ना चाहते हैं? क्या सच में आप फिरका परस्त ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर आपको फिरका परस्त ताकतों को, नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी सरकार जो आरएसएस के मंसूबे पे, आरएसएस के ख्याल पे चल रही है, इस सरकार को शिकस्त आप करना चाहते हैं, तो मराठवाड़ा में, नांदेड़ में, औरंगाबाद में, सब जगह उम्मीदवार को खिलाफ, कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा करके वहां पर वोटों का तकसीम करने के लिए आप क्यों जा रहे हैं? इनको समझना चाहिए कि ऐसी नाजुक घड़ी में जो हालात है मुल्क के, आज इस मुल्क का एक एक हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई मजबूती से ये लड़ाई लड़ रहा है कि 5 साल तक इस मुल्क को धोखा देने वाली मोदी सरकार को किसी भी कीमत से यहां से जड़ से उखाड़ फेंका जाए, और उसको उखाड़ फेंकने की लड़ाई इस मुल्क में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अशोक चौहान साहब आपके नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ऐसे मर्द आहीन को, ऐसे सेकुलर लीडर को आपको मजबूत करने का काम करना है। आपने हमेशा, मुझे याद है पिछले महानगर पालिका के चुनाव में मैं आया था, ओवैसी साहब बहुत घूमे थे, लोग हमारे नौजवान सुनने तो जाते थे, लेकिन वोट वाले दिन हमारे नौजवानों को ने भी, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं नांदेड़ के मुस्लिम नौजवानों को, जिन्होंने बहुत ही बेहतर फैसला लिया और मुत्तहिद होकर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के उम्मीदवारों की जमानत जब्त किया और कांग्रेस के 80% से ज्यादा उम्मीदवार को नांदेड़ महानगर पालिका में आपने चुनकर भेजा। वही चीज करने का काम आपको परसों करना है। चुनाव यहाँ का खत्म हो रहा है, आज आखिरी मीटिंग है, इसके बाद हम लोग, मुझे जालना और औरंगाबाद जाना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आपसे जाते जाते इतनी ही अपील करूंगा कि 5 परसों के दिन, यानी कि 18 तारीख को आप सारे लोग मजबूती के साथ, नांदेड़ का रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और खास करके आप सारे लोग मिलजुल कर एक एक वोट अशोक चौहान जैसे कायद को, अशोक चौहान जैसे एक सेकुलर लीडर को मजबूती के साथ वोट करें, ताकि 23 तारीख को जब गिनती हो तो नांदेड़ की लोकसभा से अशोक चौहान महाराष्ट्र में सबसे भारी वोटों से चुन के जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ताकि अशोक चौहान जी की छाती दुगनी हो, हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े, और मजबूती के साथ आपको हक और इंसाफ दिलाने की वो लड़ाई लड़ सके, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आप सबको, खास करके अपनी खवातीन माँ और बहनों को, और अपने नौजवान और अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सारे लोग आज यहां पर हजारों की तादाद में, आप यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चौहान साहब को दुआ देने के लिए आए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किसी बात हो चुकी है, ये लीड है जो हमारे पास बैठी है। आइए इस वक्त
विधानसभा सदस्य आदरणीय श्री प्रोफेसर जोगिंदर कवाड़े जी हमारे पास मौजूद है, मैं उनसे विनंती करता हूं कि अपने विचार प्रकट करें। देश के जमहूरियत को हटाकर इस देश में तानाशाही लाना चाहती है। 5 साल में हमने देखा, कभी हमारे यूपी के अखलाक को घर में घुसकर पीट पीट कर मार दिया गया केवल गोमांस की बात करते हुए, इस प्रकार की बात हमारे देश में हो रही है। 3 तलाक की बात की, कानून पास किया 3 तलाक की बात। हमारे शरीयत में एक शब्द भी कोई बदल नहीं सकता, ऐसा हमारा शरीयत है। और शरीयत में जो लिखा है उसके विरोध में जाकर इन्होंने 3 तलाक का कानून पास किया। मैं मोदी साहब से, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, आपसे पूछना चाहता, वंचित वालों से पूछना चाहता हूं कि वो कठुआ, जम्मू कश्मीर के कठुआ गांव में हमारी 8 बरस की आसिफा नाम की हमारी छोटी सी बिटिया भेड़ चराने के लिए जंगल में गई थी, ये बीजेपी के शैतानों ने पकड़ा उनको और मंदिर में जाकर 5 दिन तक बलात्कार किया। 5 दिन, 8 बरस की हमारी आसिफा 5 दिन तक बलात्कार किया। इतना ही नहीं तो बलात्कार करने वाले लोगों ने अपने एक रिश्तेदार को मेरठ से भी बुला लिया और उसको भी कहा तू भी बला दो, क्या मारने के पहले एक बार मुझे भी बलात्कार करने दो। ये इनकी तहजीब है, ये इनकी संस्कृति है, यार ऐसे बीजेपी वालों की। और आसिफा को 5 दिन तक बलात्कार करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया, जंगलों में उसकी लाश फेंक दी गई। अफसोस इस बात का हुआ कि अफसोस आपको भी होना चाहिए, सारे देश को अफसोस हुआ। दिल्ली में निर्भया का बलात्कार और खून हुआ, मर्डर हुआ, तो सारे देश में मोमबत्तियां जली, निषेध हुआ, धिक्कार हुआ, बलात्कार करने वालों पर कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए, ये मांग की गई। लेकिन हमारे 8 साल की आसिफा नाम की हमारी मुसलमान बच्ची के साथ 5 दिन तक बलात्कार करके उसको खून किया गया तो किसी ने दिया नहीं जलाया। प्रोफेसर कवाड़े ने दिया जलाया पहली बार देश के अंदर में। मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तमाम, देश के बाबा साहब अंबेडकर के तमाम लोगों ने दिया जलाया, मोमबत्ती जलाया और मांग की आसिफा पर बलात्कार करने वाले लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, ये मांग हमने की। लेकिन बीजेपी वालों ने क्या किया? जिन्होंने बलात्कार किया उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए बीजेपी के मंत्रियों ने मोर्चा निकाला। बलात्कारियों को कोई, बलात्कारियों के साथ में किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो। कभी सुना आपने दुनिया में कभी अन्य अत्याचार खिलाफ आंदोलन होता है, संघर्ष होता है, लेकिन आसिफा के बलात्कारियों को किसी प्रकार की कोई अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना। इसलिए बीजेपी वालों ने, मंत्री, बीजेपी के मंत्रियों ने मोर्चा निकाला, ये शर्म की बात है। जो आसिफा को इंसाफ नहीं दिला सके, हमारे 8 बरस के बेटी को वैसा, वो 3 तलाक हटाने की बात करते हैं। आसिफा पर बलात्कार करने वालों को आज तक पकड़ा नहीं गया। जिन मंत्रियों ने, बीजेपी के मंत्रियों ने आसिफा के बलात्कारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए मांग की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ऐसा ये बीजेपी की सरकार है। देश की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है, दलितों की दुश्मन है, आदिवासियों की दुश्मन है, हमारे पिछड़े वर्गों की दुश्मन है, हमारे मेहनत करने वालों की दुश्मन है, हमारे किसानों की दुश्मन है, हमारे नौजवानों की दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है जो राष्ट्रभक्ति का चोला पहनकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को हटाना, आने वाले 18 तारीख को अशोक चव्हाण जी के पंजा का बटन दबाकर हमें उनके किसी भी हालत में जीत के लाना है। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, समय की पाबंदी है, बोलना तो बहुत कुछ था, मुझे पता होता तो इतना हुजूम यहाँ पर आकर पहले ही 2 बजे पहुंच जाता यहाँ पर और बहुत सारी बात करता आपके साथ में, बहुत बोल रहा है आपके साथ में। अरे करबला के मैदान में जो शहीद हुए वो तो हम भूल नहीं सकते ना, और जीतोगे तो गाजी बनोगे, जीतोगे तो गाजी बनोगे, गाजी बनना है आपको। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, कश्ती डूबती है तो डूब जाने दे, कश्ती डूबती है तो डूब जाने दे, फिर वो तूफान से उभर सकती है,
कश्ती डूबती है तो डूब जाने दो, फिर वो तूफान से उभर सकती है। क्षमा बुझती है तो बुझ जाने दो, अंधेरे में फिर वो जल सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, कल 18 तारीख को अपनी तकदीर बदल सकती है। 18 तारीख को तकदीर बदल सकती है। इसलिए मेरे माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये फैसला कर लो, तुम्हें जीना है या मरना है, इसका फैसला कर लो। तुम्हें गुलाम बनना है, आजाद बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसके मुताबिक आजादी के साथ इस देश में जीना है, यह फैसला 18 तारीख को अशोक जी को पंजाब पर मोहर लगा कर। आपसे मेरी गुजारिश है, पांचों वक्त की नमाज में आप दुआ मांगिए, पांचों वक्त की नमाज में आप दुआ मांगिए कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे और कोई वंचित हो या वंचित हो, इनको इस नांदेड़ के धरती में दफन करके अशोक चौहान जी को हम बुलंदी के टोक उतरे पर पहुंचाएंगे। ये फैसला आज के लिए कर लो। और आओ जाते जाते फिर एक बार कह देता हूं, खुद ही को गर्व कर बुलंदी कर, तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपकी रजा, आपकी रजा 18 तारीख को अशोक चौहान जी के पंजा निशानी पर मोहर लगाकर आपकी, अब आपके और मेरी कामयाबी है, कामयाब बनाइए। ये दुश्मनों की सरकार है, देश की सरकार है, गद्दारों की सरकार है, ये आरएसएस वालों की सरकार है, इसको हटाने के लिए आज फैसला कर लिए। धन्यवाद। जय भीम।